जय माता ही दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज है होलिका दहन और आज के वीडियो में आपको होलिका दहन का महा उपाय जो है वो बताने वाली हूँ। अगर आपके घर में किसी ने कुछ करा दिया है, एक मन का जो वहम होता है वो होता है, अगर आपके मन में ये चीज़ आ गई है या आपके बच्चों को नज़र लगती है, टोना टोटका, बुरी नज़र, काली शक्तियाँ, नकारात्मक ऊर्जा, जो भी जिस भी तरीके का आपके घर में या आपके बच्चे के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कुछ भी ऐसा अगर आपको लग रहा है, तो आज का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा विशेष है। और इस दिन किसी भी प्रकार की काली शक्तियाँ, नकारात्मक ऊर्जा, किया कराया, टोना टोटका या नज़र, तंत्र मंत्र विद्या जो भी है, आज के दिन बहुत ही आसानी से आप उसको स्वयं से काट सकते हैं। आपको एक उपाय जो है वो मैं बताने वाली हूँ, बहुत ही आसानी से ये उपाय जो है वो आप कर सकते हैं। सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से आप घर में ही मिल जाएंगी, आपको यकीनन मिल जाएंगी। और इस उपाय को आप आज रात में जहाँ पर भी होली जो है, जो होलिका दहन वो होती है, जहाँ पर होली जलती है वहाँ पर इस उपाय को करना है। लेकिन याद रखें, इस उपाय को जब भी आप करें, आपका ये उपाय जो है वो चुपचाप से होना चाहिए, कोई इसको टोके नहीं या कोई देखे नहीं। क्योंकि किसी भी तरीके का हम तंत्र मंत्र विद्या, टोना टोटका, काली शक्ति को काटना या नज़र उतारना कुछ अगर हम करते हैं, किसी ने देख लिया या किसी ने बीच में टोक दिया कि ये क्या कर रहे हो, ये कैसे हो रहा है, तो वो जो असर है वो नहीं होता है, वो जो उपाय है वो मान्य नहीं होता है। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान में देना है। अब चलिए मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या करना है। आपको एक नारियल लाना है। अगर आपको जो नारियल है वो किसी तरीके का मिल जाए, चाहे तो आप एक वो सूखा वाला आता है जो हवन वगैरह में किया जाता है, या घर की जब गृह प्रवेश होता है तब वो कलश के रूप में स्थापित किया जाता है श्रीफल, वो मिल जाए, या पानी वाला नारियल जो है वो मिल जाए, या गरी का गोला जो है वो मिल जाए। याद रखें, गोला होना चाहिए, कटा फटा टूटा, बीच से टूटा हुआ इस तरीके का बिल्कुल भी ना लें। अगर आपको मिल जाए सूखा वाला नारियल तो सूखा वाला ले लीजिए, पानी वाला मिल जाए तो पानी वाला ले लीजिए, या श्रीफल होता है, श्रीफल जो नारियल होता है वो आप ले लीजिए। मतलब मैं फ़ोटो डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो चाहे आपको इस तरीके के, तीन तरीके के जो मैं फ़ोटो लगा रही हूँ, इनमें से कोई भी आपको नारियल मिल जाता है तो वो आपको नारियल ले लेना है। उसके बाद आपको एक लाल कलर का कपड़ा लेना है, ये कपड़ा जो है वो नया होना चाहिए। इसमें आपको काले तिल जो है वो बांध लेना है। अब आपको क्या करना है, घर में जितने भी सदस्य हैं सबके ऊपर से वारना है। आप जैसे आपके घर में तीन सदस्य हैं, पांच हैं या जितने भी सदस्य हैं, काली जो तिली है वो सबके ऊपर से वार लेना है। और वारने के बाद जो एक लाल कपड़ा लिया है उसमें आपको बांध देना है। बांधने के बाद वो जो आपने नारियल लिया है उस नारियल में, वो लाल कपड़े में जो आपने पोटली बनाई है जिसमें काले तिल बंधे हुए हैं, उस पोटली को नारियल के ऊपर बांधना है। और बांध कर आपको जब भी आप जा रहे हैं तो चुपचाप से लेके जाइए। होली की परिक्रमा जब होती है, जब होली के चारों तरफ फेरे लगाए जाते हैं, पूजा की जाती है, उसी समय आपको होली के फेरे लगाने हैं और चुपचाप से वो जो नारियल है जिसमें लाल कलर के कपड़े में तिल बंधी हुई हैं वो आपको डाल देना है, प्रणाम करना है। जो भी आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ, आपके घर के ऊपर, बच्चों के ऊपर काला साया या नकारात्मक शक्तियाँ, काली ऊर्जा, टोना टोटका, तंत्र मंत्र विद्या जो भी है सब कट जाएगा। आप इस उपाय को आज जरूर कीजिए, आपकी सारी समस्याएँ, परेशानी जो हैं वो बिल्कुल से दूर हो जाएंगी। जो भी है आज वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इस उपाय को जरूर कीजिए, आप देखेंगे कि आपकी सारी जो परेशानियाँ हैं वो चुटकियों में दूर हो जाएंगी। तो जरूर कीजिए इस उपाय को और अपनी सारी बाधाओं को समाप्त कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। दोस्तों आप सभी को होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। जय माता दी।